अजमेर में बुजुर्ग महिला के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे एक ठग को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस पकड़े गए शातिर से पूछताछ कर रही है। मामला क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के बाटा तिराहे का है। यहाँ दो युवकों ने एक बुजुर्ग महिला को सस्ते सूट दिलवाने का झांसा देकर ठगने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों ठग इस महिला के गहने हड़पना चाहते थे, लेकिन सतर्क महिला उनकी बातों में नहीं आई। बाद में स्थानीय लोगों ने शक के आधार पर जब इन युवकों को पकड़ने की कोशिश की तो एक शातिर भागने में कामयाब हो गया, जबकि एक शातिर को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। लगभग 3 बजे की बात है, आज बाटा तेरा से टूवर्ड्स जैसे कि चौकी तो जाते हैं, तब महेश मिष्ठान भंडार है, वहाँ पर एक वृद्ध महिला है, वो रिटायर्ड है और वो जा रही थी तो पीछे से व्यक्ति आया और उसने कहा कि माताजी आपको सस्ते सूट दिला देते हैं, और सस्ते सूट दिलाने का उसको प्रलोभन दिया और फिर उसने मना किया मुझे सूट नहीं लेने। फिर उसके बाद एक व्यक्ति और आया, उसने पूछा भाई माताजी सूट नहीं ले रही हैं क्या, उसने कहा नहीं ले रही हैं। इन बिटवीन वो महिला वहाँ से एक मोबाइल शॉप पर चली गई रिचार्ज कराने के लिए, तो आसपास के दुकान वालों को डाउट हुआ कि ये व्यक्ति इसके साथ नहीं है, और महिला से पूछा था कि मेरे साथ नहीं है लोग, तब वो आसपास दुकानदार उनने उनसे पूछताछ करने के लिए उनको रोकना चाहा, तो उनमें एक व्यक्ति भाग गया और एक व्यक्ति ऑटो से टकरा के गिर गया था, जिसको लोगों ने पकड़ लिया था, उसको कैसे भी चौकी पे लोगों ने भिजवाया था। उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसके नाम पते जो उसने बताए हैं उसके संबंध में उसके संबंधित पुलिस स्टेशन में पता कर रहे हैं कि ये व्यक्ति वहाँ का रहने वाला है या नहीं, तस्दीक कर रहे हैं, और उसके विरुद्ध पूर्व में और कोई मुकदमे या यहाँ और किसी वारदात में ये शरीक रहा है या नहीं, या उसके साथ में जो व्यक्ति था वो कौन था, इसके बारे में जांच कर रहे हैं। तो उसके भी ऐसा कोई हथियार वगैरह उससे भी बरामद नहीं हुआ है और वो कैसे भी उनसे पूछताछ जारी है।